जोहार आप सभी को, हमारे YouTube चैनल झारखंड में जन्म आप सभी का स्वागत है। तो मैं रॉबिन चंद्रा आज आप लोगों को फिजिक्स में आगे की तरफ पढ़ाऊंगा। फिजिक्स में मेरा ये लेक्चर 2 है, ठीक है। तो मैंने इससे पहले क्या क्या पढ़ा चुका हूँ, तो मैंने मैकेनिक्स में मैं पूरी तरह से घुस चुका था। मैकेनिक्स में 2 पार्ट थे, आपको पता ही होगा, जैसे कि कौन कौन से 2 पार्ट थे आपको पता होगा, कि एक स्टैटिक्स था और दूसरा डायनेमिक्स था। हमने वहाँ तक पढ़ चुका था। फिर उसके बाद हम लोगों ने टूल्स देख रहे थे कि टूल्स कौन कौन से टूल्स हैं, क्या क्या टूल्स की हम लोग को आवश्यकता होती। तो हम लोगों ने टूल्स देखा था, उसी में एक फोर्स का टर्म भी आया था। तो फोर्स के विषय में पूरी तरह से जाने कि क्या क्या होता है फोर्स। फिर उसके बाद हम लोग फोर्स में हम लोग अब जो देखने वाले हैं उसके आगे के पार्ट को, ठीक है। तो उसके आगे का पार्ट जानने से पहले ये जान लीजिए कि ये फिजिक्स का सेमेस्टर 6 के विद्यार्थियों के लिए है और ये लेक्चर 2 है, तो ठीक है ना। सेमेस्टर 6 मैंने कल लेक्चर क्या होते हैं हम लोग पेपर नंबर 6 बता दिया था, जो गलती से निकल चुका था, ठीक है। ये सेमेस्टर 6 के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, और ये DSC 4, ठीक है। तो मैं इसको और आगे तक पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इसमें मैं क्या मैंने अभी तक क्या है कि इसमें जो कंटेंट रखा है, इसमें मैंने टूडेज जो आज का गोल होगा वो रखा है, और मैं इसी तरह से रोज का जो गोल होगा मुझसे मैं पहले बता दूंगा कि क्या क्या है, आज क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा और वो पूरी तरह से कवर करूंगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको फिजिक्स की जर्नी को, जो फिजिक्स है इसको फिजिक्स नहीं बोल सकते, ये जो मैथ्स के जो स्टूडेंट है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, और ये मैथ्स ही है समझ लीजिए, क्योंकि ये मैथ्स का जो उद्भव हुआ है, मैथ्स से ही क्या हुआ ना, फिजिक्स का उद्भव हुआ, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने ये एक तरह से क्या है, मैथ्स ही है, लेकिन फिजिक्स की तरह आपको दिखेगी, हर कुछ का टर्म जो दिखेगा कि फिजिक्स है, लेकिन ये पूरी तरह से एक तरह से मैथ्स ही है, ठीक है ना। तो हम लोग जितने भी मैथ्स के जो ऑनर्स कर रहे हैं, ठीक है ना, ऑनर्स जो भी कर रहे हैं, ठीक है ना, सेमेस्टर में, चाहे वो BBMQ में हो या BBU में हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो, ठीक है ना। तो जितने तरह की यूनिवर्सिटी हो, या आप लोग जो, मैंने कि हम तो यहीं के, मैं धनबाद के निवासी है, तो धनबाद के रिलेटिव जो मेरा पीके रॉय कॉलेज हो, या पीके रॉय कॉलेज के साथ साथ RSP जो RSP कॉलेज है वो हो, या SSLNT कॉलेज हो, इस सब में जो होता है कि यहाँ के जो विद्यार्थी, जो सेमेस्टर 6 के विद्यार्थी है उसके लिए ये जो DSC 4 है, जो फिजिक्स है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, जो इससे आपको तो नंबर तो इंक्रीज करेगा, प्लस इसमें बहुत ज़्यादा आपका जो नॉलेजेबल पार्ट है, ठीक है ना, तो आपको नॉलेज भी मिलेगा प्लस आपको नंबर भी मिलेगा, ठीक है, दोनों का ही आप पूरी तरह से कॉम्बिनेशन मिलेगा, तो ठीक है। तो मैं अब पढ़ाने स्टार्ट करता हूँ। तो ये जो है मेरा, हमारा आज का टूडेज का गोल है, ठीक है, क्या गोल है हमारा, कि आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले रिजल्टिंग फैक्टर क्या होता है, उसके रिलेटेड टर्म को समझेंगे क्या है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, क्या देखेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। इसके बाद देखना क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, कि उसका काम क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स का एक जब इक्विलिब्रियम होगा तब तो उसमें क्या काम है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को हम लोग को पूरी तरह से क्या करना पड़ना है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले रिजल्टेंट फैक्टर क्या होता है। तो देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फोर्सेस, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू अ सिंगल फोर्स इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। देखिए, बहुत सारा चीज इसी में पता चल चुका है, क्या क्या पता चल गया है। सबसे पहला चीज आपको क्या पता चला इसमें, कि सबसे पहले यहाँ पे फोर्स होगा, क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। दूसरा क्या, बॉडी कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स, जो कि बहुत सारा कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स, ठीक है, जो किसी बॉडी में लग रहा है वो क्या होगा, इक्वल होगा, क्या, सिंगल फोर्स के बराबर होगा। मैंने अगर मान के चलिए कि आपके शरीर में, मैंने बहुत सारा लोग मार रहा है, और मान के चलिए कि उतना ही लोगों का जो फोर्स है वो एक आदमी के बराबर है, ठीक है ना, एक आदमी का जितने ज़्यादा फोर्स लगता है उसके बराबर ही है, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को समझिए क्या, रिजल्टेंट फोर्स। इसको समझने के लिए सोच सकते हैं कि मान के चलिए आपको बहुत सारे छोटे छोटे चिंगड़ा वंगड़ा लोग आपको मार रहे हैं, ठीक है ना, मान के चलिए वो 10 न्यूटन का फोर्स डाला, ठीक है, 20 न्यूटन का फोर्स मारा, 30 न्यूटन का फोर्स मारा, 40 न्यूटन, तो इस तरह का फोर्स मिला, तो टोटल क्या हो सकता है, 10 और 20 30 हो गया, और 30 और 40 के ना 70 न्यूटन हो गया इस तरह। और मान के चलिए उसी समय क्या, 70 न्यूटन के बराबर फोर्स कौन दे रहा है, खली दे रहा है, ठीक है, खली तो जानते करते बहुत ही हल्का जैसा दिखता है, जाइंट लगता है, और वो जो उतना जो 70 न्यूटन का फोर्स इतना जन मिल के दे रहा है, वही क्या कर रहा है कि एक पंच में ही वो उतना न्यूटन का फोर्स दे रहा है। तो समझ लेना कि उसका जो फोर्स है वो रिजल्टेंट, सबका क्या फोर्स के क्या है, बराबर है, तो इसी को क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स करते हैं। डेफिनेशन से भी आप समझ चुके हैं, जो एक एग्जांपल से समझे, मान के चलिए कि ये कार है, ठीक है, उसमें 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 50 न्यूटन, 80 न्यूटन और 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। 200 न्यूटन को मैंने अच्छे से नहीं लिखा, ठीक है, इसमें लिख करके अच्छे से लिखता हूँ, ठीक है, 200 न्यूटन, ठीक है।
तो ये 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो अब इन लोग का जो सम होगा वही क्या होगा, इन लोग का जो होगा रिजल्टेंट फोर्स होगा या सिंगल फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको मान के चल सकते हैं कि एग्जाम में आप F1 इसको मान सकते हैं या F2 मान सकते हैं, F3 मान सकते हैं, और क्या हो सकता है F4 मान सकते हैं, इसको क्या मान सकते हैं F5 मान सकते हैं, ठीक है, और F6 होगा। यही क्या होगा F1 F2 F3 F4 F5 F6 जो होगा, यही सब क्या होगा इक्वल्स किसके होगा, सबका जो रिजल्टेंट होगा उसके बराबर होगा। मैंने एफ रिजल्टेंट भी लिख सकते हैं या एफ नेट भी लिख सकते हैं। मान के चलिए मैंने इसको एफ नेट को क्या लिखा, इधर की तरफ लगा, ठीक है, एफ नेट, एफ नेट ये जो होगा किसके बराबर होगा आपका एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री प्लस एफ फोर प्लस एफ फाइव और एफ सिक्स, ठीक है, F5 प्लस F6। और भी ज़्यादा होता तो डॉट 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 करके भी लिख सकते हैं, N तक लिख सकते हैं, ठीक है ना। हमने एक जनरल टर्म ले लिया कि इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो F नेट यही होता है, ठीक है। तो इसी का अब इसको सम भी करके आप देख सकते हैं कितना आ रहा, 30 और 40 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, 70 और 50 120, 120 और 80, 120 और 80 200 हो गया, और 200 200 400 410 में टोटल क्या हो सकता है, F नेट को अगर आप लिख सकते हैं 410 भी लिख सकते हैं। मैंने भूत तो नहीं किया, वो देख लेता हूँ, ठीक है ना, जरूरी 40 30 70 70 50 कितना 120 120 और 80 200 और 200 200 400 410 410, ठीक है ना। तो ये पता चल रहा है कि F नेट जो हो गया वो किसके बराबर हो गया, F नेट जो हो गया आपका बराबर किसके हो गया, F नेट जो आपका बराबर हो गया किसके, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, F नेट को कितना लिख सकते हैं 410 भी लिख सकते हैं। यही क्या हो गया F नेट, इसी को क्या बोलते हैं F रिजल्टेंट बोलते हैं। रिजल्टेंट फोर्स में और कुछ नहीं था, बस इतना ही था, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं, जो हमारा जो सेकेंड गोल था वो आज का क्या था, ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। देखिए ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस क्या होता है, ठीक है, ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस क्या होता है आप जानिए। अगर मान के चलिए इफ टू फोर्स, क्या बोला गया यहाँ पर, इफ टू फोर्स, मुझे पेन को चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि एक ही तरह चला तो क्या वो फ्लैच कर जा रहा है, ठीक है ना, मैंने मिल जा रहा है, ठीक है ना, थोड़ा सा अलग डिफरेंट कम्बिनेशन ले लेता हूँ, ठीक है, क्या ले लेता हूँ। तो इफ टू फोर्सेस आर रिप्रेजेंटेड बाई साइड्स ऑफ ट्राइंगल, then their resultant is represented by the third side of opposite order। मतलब क्या बोल रहा है, ये triangle law of forces हम लोग जब vector पढ़े हैं ना उसमें भी ये चीज आया था, triangle law of vector, ठीक है, triangle law of vector, ठीक है। तो उसी चीज को यहाँ पर भी triangle law of force की मदद से बताया गया है कि अगर मान के चलिए दो force है, उसमें बताया गया दो force है, उन लोग दोनों में जो लगने वाला जो force है वो तीसरा जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, उसके इक्वल तो उसके बराबर होगा, दोनों के बराबर होगा, और लेकिन अपोजिट साइड में होगा, ठीक है। यही है ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो इसको जानते कैसे करके क्या आता है, ठीक है, मान के चलिए कि एक फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है, ठीक है, समझ में आया। इफ टू फोर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई साइड्स ऑफ ट्राइंगल, मान के चलिए टू फोर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई साइड्स ऑफ ट्राइंगल, तो सबसे पहले साइड्स ऑफ ट्राइंगल बना देते हैं, ठीक है, मान के चलिए ये साइड्स ऑफ ट्रायंगल बना दी, ठीक है, दो, ठीक है, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंट बाय द थर्ड साइड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये लोग रिजल्टेंट है, देखिए ये रिजल्टेंट है और ये रिजल्टेंट है, और ये लोग के क्या होगा कि अपोजिट में होगा, तो उसी को क्या बोलते हैं अपोजिट ऑर्डर में होगा, ठीक है। जैसे कि ये देखिए ये ए है और ये बी है, मान के चलिए फोर्स एफ वन है और ये क्या एफ टू है, ठीक है, क्या है एफ टू है। तो ये लोग का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा जो कि इन लोग के अपोजिट होगा, कैसे अपोजिट होगा हमें बताता हूँ, ठीक है। मान के चलिए कि ये क्या है आपका ए है, ठीक है, थोड़ा सा दूसरा वाला कलर ले लेता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये, और आपका ये क्या है रिजल्टेंट है जिसको आर से सूचित करते हैं, ठीक है। तो बताया जाता है कि जो ए बी और बी सी का जो दोनों का फोर्स है उसका जो सम है उसका रिजल्टेंट जो होता है वो अपोजिट साइड में होता है, वो कैसे होता है वो मैं उसको डील करता हूँ, ठीक है। कि देखिए जैसे कि ए बी फोर्स है और बी सी फोर्स है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट जो क्या होता है ना, रिजल्टेंट आपका क्या होता है ना कि रिजल्टेंट आपका ए ए और बी का जो रिजल्टेंट होता है उसको आर बोलते हैं। जैसे सम ऑफ फोर्स कर रहे थे वहाँ पर रिजल्टेंट कर रहे थे, ठीक है ना, मैं रिजल्टेंट ऑफ फोर्स कर रहे थे ना वहाँ पर रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, उसमें क्या कर रहे थे, दो का सम क्या हो रहा था किसी अलग के बराबर हो रहा था, एफ नेट के बराबर था, उसी को करना है। तो यहाँ पे क्या दो फोर्स से मान के चलिए ए और बी, तो उसका क्या किसके बराबर है आर के बराबर है, तो इसे लिख सकते हैं ना आर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी, ठीक है, ये रिजल्टेंट फोर्स को दिखाने का तरीका हो गया। अब उसी को हम लिख रहे हैं कि ये कैसे अपोजिट हो गया, आप इसे भी समझ सकते हैं कि मान के चलिए कि ए बी कर रहा है, ए बी इधर, ए बी प्लस बी सी दोनों इधर की तरफ लग रहा है, एक ही डायरेक्शन की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए ए बी प्लस बी सी, ठीक है, और वो बराबर किसके हो गया, ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर हो गया, वही डायरेक्शन है,
ठीक है, लेकिन उसी को अगर इधर लेकर आएंगे, इसी को इधर लेकर आएंगे, तो AP प्लस BC क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ AC हो जाएगा। ये क्या अपोजिट डायरेक्शन को दिखा रहा है, ठीक है, ये क्या दिखा रहा है, AC क्या दिखा रहा है, अपोजिट, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट होगा क्या होगा, इसके अपोजिट साइड में। समझ में आया कि इफ टू फोर्स आर रिप्रेजेंट बाय साइड ऑफ ट्राइंगल, दो फोर्स क्या साइड ऑफ ट्राइंगल दिखाई देंगे, देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाई थर्ड साइड इन अपोजिट ऑर्डर, तो रिजल्टेंट जो होगा उसका जो थर्ड साइड वो अपोजिट ऑर्डर में दिखाई देगा, जो दिखाई दे रहा है AC के बराबर, ठीक है। यही चीज का ही इस्तेमाल करके जो ABBC, अब देखिए दो फोर्स हो रहा है उसके बराबर क्या हो रहा है, आर हो रहा है, और इसी को क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, अपोजिट ऑर्डर में हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस कहते हैं, और कुछ इसमें नहीं था। इसी का जो इस्तेमाल करके क्या किया गया है, इक्विलिब्रियम को जाना गया, इक्विलिब्रियम वाले फोर्स भी हम लोग जानते हैं। मान के चलिए आपके पास हर तरफ से माने कि तीन डायरेक्शन से या चार डायरेक्शन से या पांच डायरेक्शन से आपके फोर्स लग रहे हैं, लेकिन आपको ऐसे लग रहे हैं फोर्स क्या हो रहे हैं कि वो इक्विलिब्रियम में हो रहा है। मान के चलिए आपको 10 न्यूटन से हम इधर से खींच रहे हैं और इधर से 10 न्यूटन से खींच रहे हैं, दोनों तरफ से खींच रहे हैं, तो दोनों तरफ बराबर बराबर न्यूटन से फोर्स करें तो आप कहीं खिंचाएंगे नहीं आपका, मैंने मान के चलिए आप रिजिड बॉडी है ना, तो कहीं भी नहीं खिंचाएं, ठीक है, ना इधर घस के ना इधर घस के, तो इस तरह में क्या हो गया, आप इक्विलिब्रियम करने समय तो इस तरह के फोर्स को भी क्या हो सकते हैं, इक्विलिब्रियम फोर्सेस करते हैं। अब ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्स क्या होता है, मैं उसको मैं उसको बताता हूँ, ठीक है ना, ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्स क्या होता है उसको मैं बताता हूँ क्या, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस क्या होता है तो आपको समझ में आ चुका था ना, तो अब हम लोग को क्या बताना है, ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्स एट इक्विलिब्रियम, समझ गए ना, थोड़ा सा बोली में मेरा दिक्कत हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस एट इक्विलिब्रियम अब मैं बताता हूँ, ये तो आपको समझ में आ चुका होगा, इसके बाद मैं बताता हूँ ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्स एट इक्विलिब्रियम। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्स एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, कंडीशन में क्या होता है वो आप सबसे पहले जानिए। मान के चलिए क्या हो रहा ना कि एक ये है, ठीक है, और उस पर क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, फोर्स डाल रहे, क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, इधर की तरफ से भी फोर्स लगा रहे, ठीक है, इधर से भी फोर्स लगा रहे और क्या लगा रहे, इधर से भी फोर्स लगा रहे, तीनों 120 डिग्री में है, समझे, तीनों आपको दिखाई देगा तो ये 120 डिग्री में है, ठीक है, 120 डिग्री में है, और आपको पता नहीं होगा जब हम वेक्टर जब इसको रिजॉल्विंग करेंगे वेक्टर, तो आप इन लोग का जब नेट देखिएगा, मान के चलिए यहाँ से 100 न्यूटन 100 न्यूटन सब में एफ फोर्स क्या हो, बराबर होगा, FFF ही फोर्स है, ठीक है ना, F1 F2 F3 लिखे हैं, लेकिन सब फोर्स बराबर होगा, तो 120 डिग्री के एंगल में क्या हो जाता है कि इसका जो एफ नेट होता है वो क्या हो जाता है, जीरो आ जाता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन भी बोलते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग उसी चीज को पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो F1 F2 F3 जो ये लोग तीनों का जो फोर्स होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। इसको दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग इससे पहले जो पढ़े थे उसी को देखिए, तो इसी चीज को क्या कहते हैं कि इसका भी जो F रिजल्टेंट हो वो टोटली क्या हो, जीरो हो जाना चाहिए, तो उसको हम दिखाने के लिए क्या कहते हैं, AB plus BC minus AC था, उसी को क्या कहते हैं, हमने AC को अपोजिट कर दिया, तो इससे भी इस तरह भी तो इसको लिख सकते थे ना कि AB plus BC वेक्टर के रूप में लिख रहे हैं, तो इसको जस्ट अपोजिट करने के लिए क्या करना है, CA लिख देंगे, तो CA लिख देंगे, तो यहाँ नेगेटिव नेगेटिव कर देंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसी को देखने पर कैसा लगेगा आपको कि AB का डायरेक्शन इधर था, ठीक है, AB का डायरेक्शन इधर था और BC का डायरेक्शन किधर था, BC का डायरेक्शन इधर था और CA का डायरेक्शन जो इधर था वो किधर की तरफ हो जाएगा, इधर की तरफ, मैंने वो एक लूप में ही घूमते रहेगा, और इस तरह के फोर्स को जब AB plus BC इसी तरह का, अगर मान के चलिए F1 फोर्स था, ठीक है, और ये F2 फोर्स था, ठीक है ना, F2 फोर्स था, इसको मान के चलिए कि ये भी है, ठीक है, ये क्या है, AB है, तो ये जितना भी सम है, ठीक है ना, इसको मान के चलिए AB है, ठीक है, और यहाँ से ABCD वाला फोर्स, तो ये फोर्स भी की डायरेक्शन में किधर होगा, ये फोर्स का डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इक्विलिब्रियम फोर्स के बात तरफ जा रहे हैं तो AB plus BC plus CA, तो ये सबका टोटल रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, फोर्स का क्या जीरो हो जाएगा, क्योंकि सबका जीरो इसी सम यही हो रहा था ना, तो उसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, AB plus BC plus CA क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, इसी को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ट्राइंगल ऑफ फोर्स का लगाना, वैलिड करना। तो वही कुछ नहीं था कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, AB plus BC plus CA के बराबर हो जाएगा, ठीक है, सबके बराबर हो जाएगा, जितना भी फोर्स है उसका क्या हो जाएगा, मैंने टोटल जो नेट दिखा जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, ट्राइंगल ऑफ फोर्स एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है, ठीक है। इसके बारे में अगर लिखना होगा तो भी लिखा सकते हैं, तो क्या लिखते हैं ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस में, तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ऑफ फोर्स में क्या लिख सकते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या लिख सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग डेफिनेशन को हम आगे की तरफ दिखाते हैं, ठीक है।
तो आप लोग समझ चुके होंगे कि ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस क्या था। तो मैं फिर से बता देता हूँ कि ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस क्या था, कि अगर बहुत सारे फोर्स नहीं है, इसमें हमने तीन ही फोर्स को लिया है, कि अगर तीन फोर्स आपके मतलब कि किसी एक मतलब पार्टिकल में या किसी बॉडी पे लगते हैं, तो उनके जो सम होते हैं, उनके जो सम होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो के बराबर होता है। मैंने उसको क्या किया, डायरेक्शन के टर्म में भी आपको समझा दिया, अब इसको डेफिनेशन से भी बाय डेफिनेशन भी मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझ चुके हैं, तो मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। डेफिनेशन में क्या करता है, वही चीज़ को मैं फिर से बता रहा हूँ। इफ थ्री फोर्सेस, ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ थ्री फोर्सेस, ठीक है ना, इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल कैन बी रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड ऑफ ट्राइंगल टेकिंग इन ऑर्डर, देन द पार्टिकल विल बी इक्विलिब्रियम। देखिए ये इक्विलिब्रियम का मतलब इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आप शॉर्टकट में मत लिखिएगा एग्जाम में, ठीक है ना, नंबर नहीं मिलेगा फिर, ठीक है ना, शॉर्टकट में कम नंबर दे देगा, इसलिए इसको आपको पूरी तरह से लिखना है इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि आपके पास तीन जो फोर्सेस अगर किसी बॉडी पे काम करेंगे, ठीक है ना, बॉडी पे काम करेंगे, तो उस समय क्या होगा, उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, इफ थ्री फोर्सेस एक्ट ऑन पार्टिकल कैन बी रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड ऑफ ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर, क्या बोल रहा है, थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना, टेकन इन ऑर्डर देन द पार्टिकल विल बी इक्विलिब्रियम। मतलब क्या बोल रहा है, पार्टिकल अगर तीन फोर्स को आपको दिखाया गया है, किसका F1 F2 F3 को इस तरह से उन लोग को रखा गया है कि जिसके कारण से क्या हो रहा है, वे लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन में इस बॉडी को रख रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, ट्राइंगल ऑफ फोर्स एट इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं, ठीक है, ये समझ में आ चुका है। जैसे कि मैंने इसको बता दिया था F1 F2 F3 का, ठीक है ना, उसको डायरेक्शन से भी बता दिया, AB प्लस BC प्लस CA कैसे हो गया, AC होना चाहिए था लेकिन CA कैसे हो गया आपको पता चल चुका है, ठीक है ना, ठीक है, ये वेक्टर ही वेक्टर का ही लॉ को लग रहा है, ठीक है ना, तो वेक्टर मैथ्स में था उसी चीज का आप यूज करें, ठीक है ना। तो मैंने इसको डेफिनेशन में बता दिया और इतना ही मुझे आज का गोल जो था इतना ही दूर तक था, ठीक है ना, कि ट्राइंगल ऑफ क्या होता है, ट्राइंगल ऑफ फोर्स एट मैं कहते इक्विलिब्रियम कंडीशन में बताना था, इतना दूर तक ही मेरा गोल था। तो आगे के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, थैंक यू, धन्यवाद।